सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे, भारत की राजनीति में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया।
और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 भ्रष्टाचार करते करते दो तीन पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ, इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है। दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है, कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोग धर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं,
तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में, पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहता ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं, वो रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे सर, दो सवाल है। एक तो आप प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि और उन्होंने पार्लियामेंट की बात कही थी, कैसे कच्चा क्यों जो ग्रीन नेता को कांग्रेस ने भी दिया था, तो ऐसे में कांग्रेस को भरोसा नहीं किया जा सकता, एक सवाल यह। दूसरा सवाल यह है कि आज इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अमूमन देखा गया कि पढ़े लिखे लोग जो है कॉर्पोरेट नेताओं को वोट नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मामले में ऐसा नहीं है, उनको न सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी वोट करें बल्कि पीएम तीसरी बार भी जीत गया। देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, I would like to remind to the entire country that this was with India till 1975. And it is just 25 kilometers from the Indian coast in Tamil Nadu. Ye keval 25 kilometer ki duri pe hai. And previously Indian fishermen used to go there and do the fishing. But during the Indira Gandhi's regime, then government has handed it over to Sri Lanka. And not only handed it over to Sri Lanka, there uses to be some agreement between the two countries. There is a various example in the entire world that mutually in these waters, both the fishermen of both the countries can come. But it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this, there are several fishermen's which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, aaj DMK unke saath hai. Aur na DMK is vishay ko uthati hai, na Congress is vishay ko uthati hai. Keval Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji uthate hai. This shows
the commitment of our Prime Minister even to those things which are considered the farthermost sitting in Delhi and which is considered a very small thing. और मेरा प्रश्न ये भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला। हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे। उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता। जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए। 3 बार वहां रहे, 2 बार यहां प्रधानमंत्री रहे और 1 बार और आने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, ये बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है। लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला, तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी। अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे। और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी। उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग। तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास। वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता हासिल करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है,
और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे, भारत की राजनीति में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा ये सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ
इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे, और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है, और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में, ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में, पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है।
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए, जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। राघव चड्ढा इस पूरे अपना फेस प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं ना, दिल्ली में नजर आ रहे हैं, इस पर उन्होंने खुद ने ही सवाल उठाया है। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहता है ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे, देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका एंड नॉट ओनली हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, देयर यूजेस टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज वेरियस एग्जाम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड दैट म्यूचुअली इन दीज वॉटर्स बोथ द फिशरमैन ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन कम, बट it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this, there are several fishermen which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, aaj DMK unke saath hai. और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस सो शोज द कमिटमेंट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग। और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला। हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे। उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता, जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए। तीन बार वहां रहे, दो बार यहां प्रधानमंत्री रहे और एक बार और आने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, यह बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है। लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला,
तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी। अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी, तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे। और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी, मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी। उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग। तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता हासिल। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे, मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो, अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने
हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का
एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, एनसीपी भी आज इस पूरे महारैली में शामिल होने वाली है, इन्हीं के एक नेता जितेंद्र आवाज सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा इस पूरे अपना पे प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं ना दिल्ली में नजर आ रहे हैं, इस पर उन्होंने खुद ने ही सवाल उठाया है। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहते हैं ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं,
लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे, देखिए ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका एंड नॉट ओनली हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका देयर यूजेस टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज देयर इज अ वेरियस एग्जांपल इन द एंटायर वर्ल्ड दैट म्यूचुअली इन दीज वॉटर्स बोथ द फिशरमैन ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन कम बट It was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this, there are several fishermen which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, aaj DMK unke saath hai. और न डीएमके इस विषय को उठाती है न कांग्रेस इस विषय को उठाती है केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस सो शोज द कमिटमेंट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग। और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं उनके परिवार की है। देखिए जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला। हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे। उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला अच्छे काम पारदर्शी ईमानदारी मेहनत कर्मठता जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए। तीन बार वहां रहे दो बार यहां प्रधानमंत्री रहे और एक बार और आने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है ये बात मैं कहूंगा किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है। लोग कहते हैं ना कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी। अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं पढ़े लिखे वर्ग के मन में जहां मैंने बात शुरू की थी मैं उसी लिए कहना चाहता हूं पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी। उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन सोशल सिचुएशन सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड एवरीथिंग इज कमिंग। तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग चाहे गरीब वर्ग हो निर्धन वर्ग हो कम शिक्षित वर्ग हो वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास। वरना आज तक
पार्टियां इस विचार पे चलती थी कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत तीन पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन, और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है
कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा ये सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, दो तीन पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, चूंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे
और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में, ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में, पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए, जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे, तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, एनसीपी भी आज इस पूरे महारैली में शामिल होने वाली है, इन्हीं के एक नेता जितेंद्र आवाड सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा इस पूरे अपना पे प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं, दिल्ली में नजर आ रहे हैं, इस पर उन्होंने खुद ने ही सवाल उठाया है। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहते हैं ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे, सर दो सवाल है, एक तो आप प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि उन्होंने पार्लियामेंट की बात कही थी, कैसे कच्चा क्यू जो नेता को कांग्रेस ने दिया था, ऐसे में कांग्रेस भरोसा नहीं किया जा सकता, एक सवाल यह। दूसरा सवाल यह है कि इकोनॉमिस्ट द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अमूमन देखा गया कि पढ़े लिखे लोग जो है पॉपुलर नेताओं को वोट नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मामले में ऐसा नहीं है, उनको न सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी वोट कर रहे हैं बल्कि पीएम तीसरी बार भी जीत के आए। देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, एंड नॉट ओनली हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, देयर यूजेस टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज वेरियस एग्जाम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड दैट म्यूचुअली इन दीज वॉटर्स बोथ द फिशरमैन ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन कम, बट it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this,
There are several fishermen which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं. दिस सो शोज द कमिटमेंट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग. और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला. हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर. जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे. उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता. जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए. 3 बार वहां रहे, 2 बार यहां प्रधानमंत्री रहे और 1 बार और आने जा रहे हैं. इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, ये बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है. लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला, तब यह वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी. भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी. अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे. और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी, मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी. उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है. पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग. तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है. इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास. वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता. सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे. मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें. मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं. आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है,
और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे, भारत की राजनीति में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ
इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे, और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोग धर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है, और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में, पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है।
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए, जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। राघव चड्ढा इस पूरे अपना पे प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं ना, दिल्ली में नजर आ रहे हैं, इस पर उन्होंने खुद ने ही सवाल उठाया है। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहता है ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे, देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका एंड नॉट ओनली हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, देयर यूजेस टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज वेरियस एग्जाम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड दैट म्यूचुअली इन दीज वॉटर्स बोथ द फिशरमैन ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन कम, बट it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this, there are several fishermen which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, aaj DMK unke saath hai. और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस सो शोज द कमिटमेंट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग। और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला। हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे। उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता, जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए। 3 बार वहां रहे, 2 बार यहां प्रधानमंत्री रहे और 1 बार और आने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, ये बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है। लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला,
तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी। अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे। और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी, मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी। उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग। तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबु सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमो जी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो, अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने
हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, यह विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, चूंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का
एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था और आज जिस जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, एनसीपी भी आज इस पूरे महारैली में शामिल होने वाली है, इन्हीं के एक नेता जितेंद्र आवाड सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा इस पूरे अपना पे प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं ना दिल्ली में नजर आ रहे हैं, इस पर उन्होंने खुद ने ही सवाल उठाया है। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहते हैं ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं,
लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे, देखिए ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका and not only handed it over to Sri Lanka, there used to be some agreement between the two countries. There is a various example in the entire world that mutually in these waters both the fishermen of both the countries can come, but it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this there are several fishermen's which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities, but unfortunately aaj DMK unke saath hai aur na DMK is vishay ko uthati hai na Congress is vishay ko uthati hai, keval Pradhanmantri Shri Narendra Modi ji uthate hain. This so shows the commitment of our Prime Minister even to those things which are considered the farther most sitting in Delhi and which is considered a very small thing. Aur mera prashn ye bhi hai Shri Rahul Gandhi ji se, jo dakshin uttar ki bahut baat karte hain, dakshin bharat ke itte mahatvapurn mudde ke upar maun kyon dharan kar rakha hai, kyon nahi desh ko batate ki galti sirf unki party ki nahi unke parivar ki hai. देखिए जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला. हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर. जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे. उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता. जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए. तीन बार वहां रहे, दो बार यहां प्रधानमंत्री रहे और एक बार और आने जा रहे हैं. इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, यह बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है. लोग कहते हैं ना कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला, तब यह वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी. भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी. अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे. और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी. उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है. पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग. तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है. इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, वरना आज तक
पार्टियां इस विचार पे चलती थी कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबु सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे, भारत की राजनीति में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है
कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 भ्रष्टाचार करते करते दो तीन पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति यह हो गई है कि लज्जत कभी थी अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोग धर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे,
और अन्यान्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में, ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में, पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए, जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे, तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, एनसीपी भी आज इस पूरी महारैली में शामिल होने वाली है, इन्हीं के एक नेता जितेंद्र आवाड सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा इस पूरे अपना पे प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं ना दिल्ली में नजर आ रहे हैं, इस पर उन्होंने खुद ने ही सवाल उठाया है। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवरअप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहते हैं ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में, वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे सर, दो सवाल है, एक तो आप प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि और उन्होंने पार्लियामेंट में भी बात कही थी, कैसे कच्चा क्यों जो नेता को कांग्रेस ने जीत दिया था, ऐसे में कांग्रेस भरोसा नहीं किया जा सकता, एक सवाल यह। दूसरा सवाल यह है, क्या इकोनॉमिस्ट द इकोनॉमिस्ट में लिखा है ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका एंड नॉट ओनली हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, देयर यूजेस टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज वेरियस एग्जाम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड दैट म्यूचुअली इन दीज वॉटर्स बोथ द फिशरमैन ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन कम, बट it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this
There are several fishermen which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं. दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग. और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? हाँ, देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला. हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर. जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे. उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता. जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए. 3 बार वहां रहे, 2 बार यहां प्रधानमंत्री रहे और 1 बार और आने जा रहे हैं. इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, ये बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है. लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला, तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी. भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी. अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी, तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे. और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी, मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी. उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है. पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्क संगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग. तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है. इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास. वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता. सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे. मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें. मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं. आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है,
और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबु सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ
इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे, और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है, और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में, पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। आपने कहा कि
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए, जो आज से 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवरअप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहता है ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे, देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका एंड नॉट ओनली हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, देयर यूजेस टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज वेरियस एग्जाम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड दैट म्यूचुअली इन दीज वॉटर्स बोथ द फिशरमैन ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन कम, बट it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometer from Indian coast. Because of this, there are several fishermen which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, aaj DMK unke saath hai. न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग। और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? हाँ, देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला। हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे। उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता, जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए। 3 बार वहां रहे, 2 बार यहां प्रधानमंत्री रहे और 1 बार और आने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, यह बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है। लोग कहते हैं ना कांग्रेस को
50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला, तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी। अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी, तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे। और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी, मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी। उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग। तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे, मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो, अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी
जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली
पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है। दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है। भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए। जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है यह वास्तविकता में पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए जो आज से 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहता ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं।
लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं, और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे, देखिए ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका and not only handed it over to Sri Lanka, there uses to be some agreement between the two countries. There is a various example in the entire world that mutually in these waters both the fishermen of both the countries can come, but it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this there are several fishermen's which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities, but unfortunately aaj DMK unke saath hai aur na DMK is vishay ko uthati hai na Congress is vishay ko uthati hai, keval Pradhanmantri Shri Narendra Modi ji uthate hain. This so shows the commitment of our Prime Minister even to those things which are considered the farthermost sitting in Delhi and which is considered a very small thing. और मेरा प्रश्न ये भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं उनके परिवार की है? हाँ देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला। हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगे और चुनाव हार जाते थे। उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता, जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए। तीन बार वहां रहे, दो बार यहां प्रधानमंत्री रहे और एक बार और आने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, यह बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है। लोग कहते हैं ना कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला, तब यह वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी। अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे, और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी। उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्क संगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग। तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, वरना आज तक
पार्टियां इस विचार पे चलती थी कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए, ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत तीन पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि यह वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है
कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, दो तीन पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, चूंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है, कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोग धर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे,
और अन्यान्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में, ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये वास्तविकता में, पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए, जो आज से 26 साल 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे, तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, एनसीपी भी आज इस पूरी महारैली में शामिल होने वाली है, इन्हीं के एक नेता जितेंद्र अवार्ड सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा इस पूरे अपना पे प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं, ना दिल्ली में नजर आ रहे हैं, इस पर उन्होंने खुद ने ही सवाल उठाया है। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहते हैं ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में, वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे सर, दो सवाल है, एक तो आप प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि उन्होंने पार्लियामेंट की बात कही थी, कैसे कच्चा क्यू जो नेता को कांग्रेस ने दिया था, कैसे में कांग्रेस भरोसा नहीं किया जा सकता, एक सवाल यह। दूसरा सवाल यह है, क्या इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अमूमन देखा गया कि पढ़े लिखे लोग जो है कॉर्पोरेट नेताओं को वोट नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मामले में ऐसा नहीं है, उनको न सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी वोट कर रहे हैं बल्कि पीएम तीसरी बार भी जीत के आ रहे हैं। देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, and not only handed it over to Sri Lanka, there uses to be some agreement between the two countries. There is a various example in the entire world that mutually in these waters both the fishermen of both the countries can come, but it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this,
There are several fishermen which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities. But unfortunately, आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं. दिस सो शोज द कमिटमेंट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग. और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला. हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर. जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे. उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता. जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए. 3 बार वहां रहे, 2 बार यहां प्रधानमंत्री रहे और 1 बार और आने जा रहे हैं. इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, ये बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है. लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला, तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी. भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी. अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे. और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी, मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी. उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है. पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्क संगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग. तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है. इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास. वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता. सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे. मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें. मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं. आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है.
और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं, और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए, ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत तीन पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबॉडी इज विद करप्शन, एवरीबॉडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया, इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, दो तीन पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और यह मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्न प्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ
इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है, उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे, और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिपाही विद्रोह म्यूटनी कहने वाली विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोग धर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है, और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए सबका स्टिंग कर लेना, आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था, और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बिंदु और मैं कह देना चाहता हूं, लोकतंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है, जिन्होंने पिछले जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगता है वास्तविकता में पुनः मैं इस विषय को रीएम्फसाइज करता हूं कि लोकतंत्र बचाओ नहीं परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है।
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि श्री केजरीवाल जी ने हिरासत में रहते हुए भी सत्ता न छोड़ने का निर्णय लिया, तो इस मामले में वो श्री लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चले गए, जो आज से 27 साल पहले जेल में गए थे। यानी उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि हिरासत में जाने से पहले पार्टी छोड़ दी थी। अब मुझे लगता है उनके साथ बैठ के जब रैली करेंगे, तो एक हिंदी में प्रख्यात रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो हो सकता है संगति का कुछ और प्रभाव भी आने वाले समय में दिखने वाला हो और उसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। ये स्वयं दर्शाता है कि अंतर विरोधों और स्वार्थों से भरे हुए गठबंधन को आप कितना भी ऊपर से एक कवर अप या छलावरण दे दें, उसके अंदर वास्तविकता नहीं आ सकती। जैसे उसे कहता है ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती, उसी ढंग से इस गठबंधन में, वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। आनंद पांडे सर, दो सवाल है। एक तो आप प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि उन्होंने पार्लियामेंट की बात कही थी, कैसे कच्चा क्यों जो कांग्रेस ने जीत दिया था, ऐसे में कांग्रेस भरोसा नहीं किया जा सकता, एक सवाल यह। दूसरा सवाल यह है, क्या इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अमूमन देखा गया कि पढ़े लिखे लोग जो है कॉर्पोरेट नेताओं को वोट नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मामले में ऐसा नहीं है, उनको न सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी वोट कर रहे हैं बल्कि पीएम तीसरी बार भी जीत के आए। देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा थीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वॉज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका। And not only handed it over to Sri Lanka, there uses to be some agreement between the two countries. There is a various example in the entire world that mutually in these waters, both the fishermen of both the countries can come. But it was also stated in that agreement that none of the Indian fishermen can go to that place which is just 25 kilometers from Indian coast. Because of this, there are several fishermen's which has been captured and some remained in jail and they have to face the atrocities, but unfortunately aaj DMK unke saath hai aur na DMK is vishay ko uthati hai na Congress is vishay ko uthati hai, keval Pradhanmantri Shri Narendra Modi ji uthate hain. This so shows the commitment of our Prime Minister even to those things which are considered the farther most sitting in Delhi and which is considered a very small thing. और मेरा प्रश्न ये भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है, क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं उनके परिवार की है। हाँ, देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2001 में, भारत की राजनीति का उन्होंने एक स्थापित मानदंड बदला। हम सबको याद होगा 2000 के आसपास एक एस्टैब्लिश चीज थी, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, जो वे सत्ता में रहेगी पार्टी कुछ समय के बाद उसके खिलाफ हो जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और चुनाव हार जाते थे। उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदला, अच्छे काम, पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता, जनता को लगा इन्हें और मौका देना चाहिए। 3 बार वहां रहे, 2 बार यहां प्रधानमंत्री रहे और 1 बार और आने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, यह बात मैं कहूंगा, किसी को थोड़ी आपत्तिजनक भी लग सकती है। लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को 50 साल लगातार शासन करने का मौका मिला,
तब ये वो दौर था जब भारत की साक्षरता दर 50% से कम थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तब मिली है जब भारत की साक्षरता दर 50% को क्रॉस की है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तब मिला है जब 60% भारत की साक्षरता दर क्रॉस कर गई थी। अब मेरे विचार से 70-75% से ऊपर होगी, तो मोदी जी को निश्चित रूप से 400 पार होंगे। और जिसको आप पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के मन में, जहां मैंने बात शुरू की थी मैं उसी लिए कहना चाहता हूं, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक विश्वसनीयता का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी। उन्हें लगता था ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हर चीज को देखता था कि देश के आर्थिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सामरिक हितों के साथ क्या हो रहा है, देश के सुरक्षा हितों के साथ क्या हो रहा है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्हें विश्वास पैदा हुआ है और सारी बातें तर्कसंगत यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रही हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द कल्चरल प्राइड, एवरीथिंग इज कमिंग। तो मुझे लगता है इस कारण से ये जो आपने बात कही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सभी वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, निर्धन वर्ग हो, कम शिक्षित वर्ग हो, वो और अधिक शिक्षित वर्ग भी साथ में आकर खड़ा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, वरना आज तक पार्टियां इस विचार पे चलती थीं कि गरीब और अशिक्षित वर्ग की गरीबी का फायदा उठाओ और उनको चंद मुद्दों के ऊपर भरमाकर येन केन प्रकारेण उनका वोट सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के मुद्दों पर बांटकर प्राप्त करने में सफलता। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे, मेरा विनम्र निवेदन।